वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। हमने बुक कीपिंग के फीचर्स पढ़ लिए पुराने लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस, यानी ये बुक कीपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या करता है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के 6 इम्पोर्टेंसेस है। सबसे पहले तो वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड क्या करता है, कौन से ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है, जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो क्या करने के लिए यूज़ होता है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाए तो वो एविडेंस के तरह पे काम करे। इवन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमें टैक्स लाइबिलिटी के लिए भी काम आती है। तो ये 6 पॉइंट्स को थोड़ा वन बाय वन करके आगे देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली रिकॉर्ड करना है, क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, क्या डिसीजन मेकिंग है, कंट्रोलिंग मतलब क्या है, एविडेंस कहाँ पे यूज होता है और टैक्स लाइबिलिटी हमें क्यों चाहिए। तो सबसे पहली चीज, रिकॉर्ड करना बहुत इजी है, लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट है। वी कैन नॉट मेमोराइज ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो हमारे फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस से 365th डे ऑफ द बिजनेस चल रहा है। तो एक साल का पूरा ट्रांजैक्शन वी कैन नॉट रिमेम्बर और मेमोराइज। लेकिन जब हम बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिख के रखते हैं। सो रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन द रिटन फॉर्म, ताकि वो एक परमानेंटली और सिस्टमैटिकली एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने। ठीक है, नाउ व्हाई परमानेंटली, बिकॉज एक बार आपने वो ट्रांजैक्शन कर लिया तो वो ट्रांजैक्शंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली। उसके लिए कुछ ना कुछ एंट्री पास करनी पड़ेगी, कोई और एक ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा ताकि वो रेक्टिफाई हो। ठीक है, और ये सिस्टमैटिकली इसलिए बोला है बिकॉज हम डेली प्रॉपरली डेट वाइज, टाइम वाइज, ट्रांजैक्शन वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को, इसलिए उसको सिस्टमैटिकली कहा गया है। देन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होते हैं हमारे ट्रांजैक्शन से, हमारे प्रॉफिट से, हमारे लॉस से, हमारे कितने एसेट्स से, कितने लाइबिलिटीज है, इन्वेस्टमेंट कितना है, स्टॉक कितना है, राइट। सो बुक कीपिंग जो है वो बहुत यूजफुल है हमारे लिए, कि हमारे प्रॉफिट, लॉस, एसेट, लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ये सारे रिकॉर्ड का हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है। ये पिछले रिकॉर्ड्स का भी इन्फॉर्मेशन देता है, प्लस करंट ईयर का भी इन्फॉर्मेशन देता है। तो हमें बुक कीपिंग इसलिए मेंटेन करना है ताकि हमारे जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, अब ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पता करके हम क्या करेंगे, हमें ये पता चलेगा कि हमारे नेटवर्थ कितने हैं, उसमें से हमें कितना और लोगों को देना है। ठीक है, देन डिसीजन मेकिंग के लिए बुक कीपिंग यूज होता है, क्योंकि बुक कीपिंग क्या करता है, हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो जब भी आपके पास कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो आप डिसीजन ले सकते हो, और डिसीजन लेने से क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से बढ़ता जाएगा। सो दैट यू विल डेवलप योर टीम्स, यू विल ग्रो योर बिजनेस, एंड देन ब्रांच टू ब्रांच यू विल डेफिनेटली बिकम अ वेरी सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बिजनेस। देन कंट्रोलिंग, बुक कीपिंग क्या करता है, हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता है, बेसिकली हमारे सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अगर आपने भी आपका खुद का एक अकाउंट्स बुक या बुक कीपिंग बुक बना लिया है, या इवन एक छोटी सी डायरी भी अगर आपने बनाई है, तो वो आपको क्या करेगा, कंट्रोल। क्यों कंट्रोल करना है, बिकॉज इट विल एक्ट एज अ रिमोट कंट्रोल, कि भाई पूरे दिन में इतने खर्चे हुए, पूरे हफ्ते में इतने खर्चे हुए, पूरे महीने इतने खर्चे हो रहे, आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ। कहाँ पे खर्चा हो रहा है, जो फास्ट फूड्स में खर्चा हो रहा है, कपड़ों में खर्चा हो रहा है, किसी दोस्त को पैसे बांट रहे हम, आज कुछ खा ले, कल कुछ खा ले, धीरे धीरे वी विल अंडरस्टैंड वेयर वी आर वेस्टिंग आर मनी एंड वेयर वी आर यूटिलाइजिंग आर मनी। सो सेम हैपन्स विद द बिजनेस, बिजनेस को भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं और कहाँ पे हमारा जो बिजनेस है प्रॉपरली हमारे रिसोर्सेस को, यानी हमारे फाइनेंसेस को यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, देन एविडेंस, बिजनेसमैन फाइनेंशियल एविडेंस के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट इज एविडेंस, एविडेंस इज नथिंग बट जब भी हम कोर्ट में जाते हैं, दे विल आस्क यू
वेयर इज द एविडेंस, यानी जो आपके ऊपर ब्लेम किया है या आपने किसी पे क्लेम किया है कि एक्स वाई जेड पर्सन ने हमें एक लमसम अमाउंट या एक्स वाई जेड अमाउंट देना है, तो कोर्ट विल आस्क कि आपके पास क्या एविडेंस है, एंड एट दैट टाइम यू नीड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एविडेंस. ठीक है. सो जब भी हमारे डिस्प्यूट्स होंगे या कोई भी हमें क्लेम करेगा या हमारी कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम करेगा कि इन्होंने एक्स वाई जेड चीज़ प्रॉमिस की थी और वो अब नहीं कर रहे, तो वी विल शो देम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ताकि उसमें जो सच्ची बात है या क्लियर बात है वो पता चलेगा. राइट. नाउ कोर्ट ऑफ लॉ इज नथिंग बट द प्लेस वेयर द लॉ इज प्रैक्टिस्ड एंड जस्टिस इज गिवन टू द पीपल. देन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या ये जो बुक कीपिंग है वो कहाँ पे यूज होगा? टैक्स लाइबिलिटी के लिए यूज होगा, कि हमारा जो टैक्स है कितना पे करना है हमें. ठीक है. सेकेंडली, हमारे टैक्स लॉज क्या है, जिस कंट्री में हम काम करते हैं उस कंट्री का टैक्स लॉ क्या है, क्या हमें कोई टैक्स रिफंड आना है. ठीक है. सो देर आर मल्टीपल टैक्सेस इन द कंट्री और इन सम कंट्रीज, तो उसके हिसाब से इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, GST, ये जो लॉज है वो हमें पता चलना चाहिए. ठीक है. ये लॉ पता चलने के बाद जब एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास अगर प्रॉफिट है, ठीक है, और वो अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है, तो कौन से सोर्स का टैक्स कितना है, कौन से सोर्स का टैक्स कहाँ पे करना है, कौन से सोर्स के टैक्स का रिफंड हमें आना है, ये सब चीज़ हमें कौन बताता है? बुक कीपिंग. ठीक है. तो बुक कीपिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना जो अकाउंट्स है वो मेंटेन करने के लिए इन्होंने 6 से 7 पॉइंट्स बताए कि ये 6 से 7 पॉइंट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इस वजह से हमें करना है. सो रिकॉर्डिंग हो गया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया, फाइनेंशियल एविडेंस हो गया. ठीक है. उसके बाद टैक्स लाइबिलिटीज हो गए. ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो है आज हमने सीखे. आने वाले कई लेक्चर्स के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन में क्लिक करो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.